पेटीकोट पहना, पेटीकोट के ऊपर एक स्कर्ट पहन ली है जिससे कि हमारी साड़ी जो लहंगा स्टाइल में हम पहन रहे हैं इसको थोड़ा सा बाउंस मिल जाए, फ्लेयर मिल जाए। अच्छा, अगर आपके पास स्कर्ट नहीं, स्कर्ट हम लेंगे तो वो वाली जो जिसमें डोरी रहती है, नाड़ा रहता है, इलास्टिक वाली तो थोड़ी सी हमारा साड़ी अच्छे से ना हो पाए सेट, इसके लिए हम नारे वाली लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर स्कर्ट नहीं है तो आप डबल पेटीकोट भी ले सकते हैं या सिंगल पेटीकोट में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें स्कर्ट या डबल पेटीकोट चाहिए चाहिए, सिंगल पेटीकोट में भी थोड़ा फ्लेयर कम आएगा मुझे ऐसा लगता है, बस और कुछ नहीं। इसके लिए मैंने डबल डाला, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या है, बेसिक तक जो साड़ी का कर लिया मैंने, पेटीकोट के अंदर अपना बेसिक साड़ी मांडा तक कर लिए, राइट सिला करके पूरा अंदर कर लिया है। अब हम इसकी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लीट्स हम थोड़ी बड़ी बड़ी बनाएंगे फ्रेंड, छोटी प्लीट्स बनाएंगे तो एकदम से थोड़ा सा बाउंसी बाउंसी सा मोटा सा इफेक्ट आने लगता है कमर के पास, इसलिए थोड़ी चौड़ी बनाएंगे। और मैं ये एक साथ प्लीट्स बना रही हूँ, मतलब एक एक के अंदर, एक एक बना बना के अंदर टक नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही बना ले रही हूँ, फिर इनको दिखाऊंगी कि कैसे करना हूँ मैंने। ये हो गए हमारी सारी प्लेट्स, अब इनको हम धीरे धीरे से ऐसे करके खोलते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक के पीछे खोलते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, खोलते जाएंगे। क्या तक आए, अब जो है हम अंदर टक कर लेंगे पेटीकोट के अंदर। अपनी सारी प्लीट्स जो है अंदर टक कर ली पेटीकोट के अंदर, और जो थोड़ी इवन नहीं थी उनको इवन कर लिया है आगे पीछे करके, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है हमें, साड़ी है एक्चुअली, फैब्रिक है, इधर उधर भागते ही है तो उसको हमने सेट करना ही पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो मैंने सेट कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम पीछे की तरफ इससे प्लेट्स बनाते जाएंगे और अंदर टक करते जाएंगे। देखिए सब तरफ से थोड़ा सा लहंगा स्टाइल हो गया हमारा, ये जो पल्लू स्टाइल था वो थोड़ा सा पल्लू सा था जो मैंने बैक साइड में कर लिया है, बैक में एक दो ही प्लेट्स डली हैं, आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा डाली क्योंकि उसको अब हम ऊपर से दुपट्टा डाल लेंगे। एक कॉर्नर हमने दुपट्टा लिया कलरफुल मल्टी कलर, और उसको एक कॉर्नर को यहाँ अंदर कर लिया। और अब पूरा दूसरी साइड का लेकर के उसकी रेंडमली ऐसी छोटी हल्की सी बना ली, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें तो राइट शोल्डर से ऊपर लाना ही है, बस अब हम पीछे से करते हुए राइट शोल्डर पर जैसे कि हम गुजराती स्टाइल में पल्लू डालते हैं उस तरह से ले आए, उसको यहाँ पे देखकर बराबर करके हमने अब राइट शोल्डर पर हम पिन कर लेंगे। पिन कर लिया, फिर ये जो ये वाला पोर्शन है हमारा उसको हम बैक साइड में ले गए और इसको यहाँ पर हम पिन पर सेफ्टी पिन से पिन कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पिन अब हो जाता है, थोड़ा टाइट खींच करके यहाँ पर पिन कर लिया।